हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 54/100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है मुझे, ऐसी प्रोबेबिलिटी ए और बी गिवन है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ऐसे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। यानी कि जो दो इवेंट है मेरे, इवेंट ए और इवेंट बी, इसमें कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब दो इवेंट में दो कुछ ना कुछ कॉमन होता है तो वो क्या होता है? वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। अगर दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। और जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो फार्मूला ए यूनियन बी का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है? क्योंकि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू निकालनी है और सर वैल्यू क्या मुझे गिवन है, पुट कर देते हैं। हाँ जी, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 88/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 54/100। ऐसी बी की 69/100 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 88/100, यहाँ पे क्या आ गया? 100 एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या बन? 9 4 13 6 और 5 11 और 1 12, 123/100 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? माइनस के 123/100 इजिकल टू माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हाँ जी, 100 एलसीएम आ जाएगा और 123 में से 88 गया तो क्या आता है? माइनस के 35, तो माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके साथ ये कट गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरे पास? 35/100। तो ये क्या आ गया मेरे पास? राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी सारे का नोट। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी या किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस के उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या देगा? 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या मेरे पास? 88/100। हाँ जी, क्या आ गया? 100 माइनस के 88/100 तो कितना आ गया? 12/100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12/100। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मुझे क्या फाइंड आउट करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं हम, ये किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप साइड में इसको लिख लीजिए। साइड में लिख देता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी है मुझे? 54/100 और माइनस के, दोनों के इंटरसेक्शन क्या? इंटरसेक्शन मैंने निकाली थी वो क्या थी? 35/100। इसको सोल्व करेंगे, जो इसको सोल्व कर लीजिए। हाँ जी, क्या आ गया? 14 में से 5 के क्या होते हैं? 9 होते हैं, 19। तो ये क्या आ गया मेरा? 19/100। तो ये क्या आ गया मेरा? राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना मुझे? प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए नोट। जैसे ए इंटरसेक्शन बी नोट का फार्मूला ये बना था, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन ए नोट का फार्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ही हो गया था, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आगे आ गया। तो सिंपली फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या? 69/100 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी? 35/100। इसको सोल्व करके आएगा वो मेरा क्या देगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे तो राइट आंसर क्या है?
स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। ए कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट विल बी आइदर ए किंग ऑफ डायमंड और ए क्वीन ऑफ हार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है दोस्तों। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, भी वो एक कार्ड है, या तो किंग हो, किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का किंग हो, और क्वीन ऑफ हार्ट, दोनों में से एक क्या, और, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या और है, ठीक है। अब जब भी कभी और क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में और आ जाए, तो वो उसका मतलब कहता है मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। अब इसमें इवेंट क्या क्या दे रखे हैं, इवेंट दो इवेंट दे रखे हैं, वो क्या इवेंट है, इट विल बी आइदर ए किंग ऑफ डायमंड, एक इवेंट तो ये किंग ऑफ डायमंड, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इवेंट ए क्या, किंग ऑफ डायमंड, ठीक है, और इवेंट बी क्या है, क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है दोस्तों। पहले इवेंट ए और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ए किंग ऑफ डायमंड, 52 कार्ड में से किंग ऑफ डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ जी। अब किंग ऑफ डायमंड, 52 कार्ड में से किंग ऑफ डायमंड कितने होते हैं, एक ही होता है, डायमंड का किंग तो एक ही होगा 52 कार्ड में से, एक, और टोटल कितने, 52, 1/52, ठीक है दोस्तों। ऐसी प्रोबेबिलिटी, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट की क्वीन, वो 52 कार्ड में से एक ही होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए और बी, ठीक है। ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, ठीक है। अब ए यूनियन बी के दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला तो ये होता है, और एक फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब ए और बी क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, और जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन में मुझे चेक करना है, जो ए इवेंट है और बी इवेंट है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो पहले मैं क्या चेक करूँगा, ये जो दो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या नहीं है। अगर आप देखें, इवेंट ए क्या है मेरा, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड 52 कार्ड में से एक ही होता है, ठीक है। ऐसे क्वीन ऑफ हार्ट, वो 52 कार्ड में से एक ही होती है, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो हाँ जी, फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मुझे और निकालना है, ए और बी का मतलब तो ए यूनियन बी होता है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरे पास, 1/52, और प्लस इसकी वैल्यू भी क्या है, 1/52, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/52, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/26, और 1/26 क्या है मेरा, ए, तो ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आइदर की जगह क्या कर देते हैं, नाइदर कर देते हैं, और आपको पता है नाइदर के साथ क्या आता है, नोर आता है, इट विल बी आइदर ए किंग नोर ए क्वीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोर, ठीक है दोस्तों। जब भी कभी क्वेश्चन नाइदर और नोर नोर की फॉर्म में आ जाए तो मुझे क्या निकालना होता है, हाँ जी, इवेंट ए और बी सेम ही रहेंगे, तो वो पूछना चाह रहा है मुझे ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी का नोट, ठीक है, और ये ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, 1- के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और 1- के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैं अभी निकाल के रहता हूँ, उसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, बस 1/26, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 26 - 1/26, तो क्या आ जाएगा, 25/26, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली क्या पता चला आपको, जब भी कोई क्वेश्चन में नाइदर नोर आ जाए तो वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, और ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का नोट, और ये ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, इसको ऐसे लिखते हैं, आगे ए यूनियन बी की वैल्यू पुट करके मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, ए बैग कंटेन्स 6 व्हाइट बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 4 येलो बॉल, एक बैग में इतनी इतनी बॉल हैं, ठीक है दोस्तों। फाइंड द चांस ए वाइट और ए ब्लैक बॉल, हाँ जी, मुझे किसके चांस निकालने, ए वाइट और ए ब्लैक बॉल इन ए सिंगल रन, ठीक है। अब इसमें इवेंट क्या है, एक तो है व्हाइट बॉल, एक व्हाइट बॉल, और एक है एक ब्लैक बॉल,
ठीक है। हाँ जी, इसको इवेंट ए मान लेते हैं व्हाइट बॉल को, और इसको इवेंट बी मान लेते हैं ब्लैक बॉल को। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी उठ रहेंगे व्हाइट बॉल, हाँ जी, मैंने ए को व्हाइट बॉल माना है, व्हाइट बॉल टोटल बॉल कितनी है इसमें, 6 और 5 11 11 और 4 15, टोटल बॉल 15 है, हाँ जी टोटल बॉल तो 15, और व्हाइट बॉल कितनी है 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/15, ठीक है। इवेंट बी का ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास 5 है, और टोटल बॉल कितनी है 15 है, क्योंकि अब मुझे चेक करना है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है। हाँ जी, अगर आप देखें 6 व्हाइट बॉल निकाल ली मैंने, इसको इवेंट ए मानना, और 6 ब्लैक बॉल निकाल ली, इन दोनों में कॉमन है था कुछ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इस करके ए और बी के मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो अगर हम ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला फार्मूला रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ जी, तो फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे 6/15 प्लस 5/15, तो क्या जाएगा 11/15, तो 11/15 क्या जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द चांस ऑफ नोर ए वाइट नोर नाइदर ए वाइट नोर ए ब्लैक, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब मैं कैसे चेक कर रहा हूँ भाई ए और बी मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है, कैसे देख रहा हूँ भी दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। जब हम ए और बी में जिस टाइम कोई कॉमन होएगा एलिमेंट, आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें ए और बी में कॉमन एलिमेंट होगा इवेंट में होगा, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा ये कैसे मैं चेक कर रहा हूँ भी ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है कि नहीं, ये फार्मूला कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये फार्मूला कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 5 और 6, और मतलब मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है दोस्तों, और आ गया इसलिए यूनियन निकालना है। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, मैंने 2 डाई थ्रो की, ठीक है, उसमें से पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट क्या है, इसको इवेंट ए मान लेते हैं, 2 डाई थ्रो करेंगे, ठीक है, तो 2 डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, पहले डाई पे 1 1 आ सकता है, पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 1 1 2 1 6, ऐसे करते 6 6 बनेंगे, तो टोटल कितने हैं 36 है। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 36 हैं। अब इवेंट ए क्या है मेरा, इवेंट ए है जो वो कह रहा है जो दोनों डाई के ऊपर जो सम है, दोनों डाइयों का सम क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से आ सकते हैं इवेंट ए में, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, अगर आप देखें तो हाँ जी, पहली डाई के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 4 और 2 3 3 2 और 4 1, यही आ सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कुछ आ सकता, क्योंकि सम करके देखेंगे 5 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2 3 4, तो 4/36, क्योंकि टोटल क्या 36 है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/36 आ गई। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, तो इवेंट बी को लिखते हैं पहले, इवेंट बी क्या है मेरे पास, दोनों पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी 5 आ जाए, 1 5, उसके बाद 2 4 4 2, क्योंकि सम करके देख लिया अब 6 बन रहा है, और 3 3, और क्या 5 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट इसमें आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें क्या आ गया 5/36, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, जो इवेंट ए और इवेंट बी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, हाँ जी, दोनों में क्या चेक करना है मुझे, कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। अगर आप देखें इवेंट ए ये रहा, इवेंट ए भी ये रहा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट है, जैसे 1 4 यहाँ पे है, 1 4 यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं नहीं है, 2 3 यहाँ पे है, 2 3 यहाँ पे, कहीं नहीं है, इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों 5 है, यानी कि 0 के बराबर है, कॉमन कुछ नहीं है। अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आओगा भी मैं कैसे चेक कर रहा हूँ भी ए और बी में कॉमन है कि नहीं है। इवेंट ए लिखें आप, इवेंट बी लिखें आप, दोनों में कॉमन देखें कुछ है कि नहीं, अगर कॉमन मिल जाए, ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पे कॉमन आ जाता तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, ये, क्योंकि इस चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अब कॉमन नहीं है तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। और मुझे और निकालना है, और का मतलब तो यूनियन होता है ए और बी, तो दोनों का क्या कर दो, ऐड कर दो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी 4/36 प्लस में 5/36, तो ये क्या आ गया 9/36 और 9 4 36 1/4, प्रोबेबिलिटी ए और बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/4। आई होप आपको ये समझ आएगा इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।